इटालियन ओपनिंग में खेला एक छोटा सा गेम है, ई4 ई5 नाइट f3 नाइट c6 और बिशप c4 यहाँ लेते, हरा वाला एरो है वो इटालियन गेम। ये यहाँ पे लिया तो वो रॉयल ओपेज टाइप हो जाता है। तो बिशप टू c4 ही परफेक्ट इटालियन गेम। नाइट f6 इसने खेला, ज़्यादा कॉमन है कि बिशप c5 पे लेते हैं, उसको जोको पियानो ओपनिंग बोलते हैं। नाइट f6 ठीक है फिर भी, क्योंकि इमीडिएटली इसको फ्राइड लिवर अटैक कर सकते हैं नाइट को, या g5 पे लग सकते हैं, तो ये फ्राइड लिवर अटैक उसको बोलते हैं। d4 e-क्रॉस d4, यहाँ पे भी क्या है कि नाइट क्रॉस d4 कर देते हैं, फिर नाइट से मार देते हैं, फिर क्वीन से मार देते हैं, वो मोस्ट कॉमन वो गेम है। लेकिन इसने पहले कैसल किया और एक मूव थी कि पॉन को ऊपर लेना है, यहाँ पे कैसल कर लिया। तो d6 खेला, एक्चुअली अभी ये पॉन को मार सकता था लेकिन ये नहीं मारा, दिखाया कॉम्पिटेंट, लेकिन जनरली मारते नहीं क्योंकि ये फाइल ई फाइल ओपन हो जाती है, फिर रुक यहाँ पे आए तो वो नाइट पिन हो जाता है। हाँ बहुत सारी डिफिकल्टीज हो जाती है। नाइट क्रॉस d4, अभी इसने नाइट क्रॉस d4 किया, बिशप e7 नाइट c3 कैसल f4। हाँ f4 करके इसने थोड़ा कैसल डिस्टर्ब किया अपना, लेकिन ये भी ये पॉन के सपोर्ट के लिए नहीं, वो आगे लिया, ये अच्छा था a4। बिशप टू g4 इसने लेके क्वीन को थ्रेट किया, उससे अच्छा है था कि ये नाइट को मार देता। हाँ क्योंकि नहीं दिया तो नाइट ये नाइट को मारेगा और वो हुआ वही है, डबल पॉन हो जाता है। हाँ तो इसने किया नाइट क्रॉस c6 b क्रॉस c6, क्वीन e1 पे ले ली इसने, वह भी अच्छी मूव नहीं है। हाँ क्वीन यहाँ पे लेनी चाहिए थी d3 के ऊपर, क्वीन e1 d5, ये अच्छी मूव है d5। तो बिशप को हिलाना पड़ेगा तो इसको मारना पड़ेगा। तो बिशप इसने लिया d3 के ऊपर, एक्चुअली यहाँ पे लेता b3 वो अच्छा था क्योंकि f7 पे अटैकिंग रहना चाहिए हो सके तो, कभी कभी b3 पे लेके ट्रैप भी हो जाता है तो वो देखना चाहिए। तो बिशप टू d3 d क्रॉस e4। हाँ कंप्यूटर ने इधर सजेस्ट किया था कि बिशप को यहाँ पे ले लो और चेक दे दो, बिशप c5 ये हो गया, नाइट क्रॉस e4 रुक टू e8, ये अच्छी मूव है रुक टू e8 भी। हाँ मतलब ये एक्सरे अटैक है क्वीन के ऊपर, किंग h1 पे लिया इसने ताकि यहाँ से चेक ना दे पाए, इसको प्रोफाइल एक्सेस बोलते हैं कि बिशप से चेक देगा तो उसको अवॉइड करने के लिए किंग को बाजू किया। बिशप टू c5 क्वीन जीत, बिशप टू c5 क्वीन, अभी इसने g3 पे ले ली, एक्चुअली यहाँ पे लेता अच्छा था c3 के ऊपर, क्वीन g3 अच्छी नहीं मूव है क्योंकि ये देखे नाइट क्रॉस e4 क्वीन क्रॉस g4 और क्वीन क्रॉस d3 इसने किया। अभी ये देखो अभी ये मूव के बाद वाइट ने रिजाइन कर दिया, अभी क्यों रिजाइन किया होगा देखे आप सोच लो, बोले तो अटैक रुक पे है तो मेट ही हो जाता है रुक अगर क्वीन मार देते हैं तो, लेकिन क्वीन को पॉन से मार सकता है और उसने वही किया, वही किया नहीं वो मुंह देते देखते कि पॉन से मार दे तो क्या होगा। हाँ तो c क्रॉस d3 नाइट f2 चेक, रुक क्रॉस f2 एक मूव है, रुक क्रॉस f2 किया, ये रुक नीचे है, फिनिश चेकमेट।
एच एक मिनट, हाँ दूसरा भी यहाँ पे थे हमने, हाँ ये क्वीन क्रॉस डी थ्री किया, इसको अच्छी मूव थी कि क्वीन क्रॉस जी सेवन कर देता, और इसने किंग क्रॉस जी सेवन करने के बाद इसको मार देता, फिर भी नाइट टू एफ टू, लेकिन पोजिशन अच्छी रहती, किंग टू जी वन, नाइट क्रॉस डी थ्री, बस एक नाइट का लॉस होता था, तो उसने तो रिजाइन ही कर दिया। और अभी यहाँ पे हम लोग थे, सी क्रॉस डी थ्री किया, नाइट एफ टू किया, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा क्या किंग जी वन पे लेके भी मेट अवॉइड हो सकता है, यहाँ पे किंग जी वन, नाइट क्रॉस जी फोर, किंग एच वन, नाइट एफ टू, किंग जी वन, नाइट क्रॉस डी थ्री, किंग एच वन, और डिस्कवरी अटैक होता है, अगर वो बार बार रे दे के भी ड्रॉ कर सकता है तो ड्रॉ भी हो सकता है गेम। हाँ तो इस तरह से एक इटालियन का एक अच्छा गेम मैंने आपको दिखाया। देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहिए।